कैश फॉर वोट स्कैम में अमर सिंह जी को बेल हो गई, जो इस पूरे देश के लोकतंत्र के शर्मनाक घटना से जिनको फायदा हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जिन्होंने घूस दिया उनको पुलिस बचाती है, कुछ को बेल होती है, घूस जिनके बिहाफ पर दिया गया यानी मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने की कोशिश की गई, उनकी कोई पुलिस उनकी भूमिका की जांच नहीं करती। और जिन लोगों ने इस पूरे मामले को उजागर किया, इस दिवाली में वो जेल में हैं। ये देश में कैसा न्याय हो रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा और यूपीए सरकार के द्वारा, देश को हम बताना चाहते हैं। लेकिन जितनी बेशर्मी से सरकार बचाने की कोशिश करे अपने लोगों को, लोकतंत्र के इस शर्मसार घटना के प्रति देश में बहुत गुस्सा है। आडवाणी जी के साथ पूरे 14 दिन की यात्रा पूरी करके कल रात में लौटा हूँ दिवाली ब्रेक के लिए, एक डेढ़ दिन के लिए। अब तक ये यात्रा बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल, आसाम, बंगाल, झारखंड और अंडमान निकोबार के बाद पुनः फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इतनी जगह जा चुकी है। आडवाणी जी तीन बातें मूल रूप से कह रहे हैं, अभूतपूर्व जनसमर्थन है, ये यात्रा देश के लिए है, पार्टी के लिए नहीं है। विदेशी काला धन जो विदेशी बैंकों में जमा है वो हिंदुस्तान आना चाहिए और भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। देश में बहुत आक्रोश है इस भ्रष्टाचार के कारण, लेकिन यूपीए की सरकार इतनी बेशर्मी से भ्रष्ट लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये बात देश की जनता में और गुस्सा पैदा कर रहा है। शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? शुमलू कमेटी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट आने के बावजूद चिदंबरम साहब के खिलाफ 2G के मामले में कार्रवाई अनुसंधान क्यों नहीं हो रहा, जबकि वही एविडेंस अवेलेबल है? और अब तो उनको नंबर 2 के नजदीक खड़ा कर दिया गया है, क्या बचाने की कोशिश हो रही है? ये बहुत गंभीर विषय है। ये यात्रा परसों से फिर शुरू होगी तमिलनाडु से, मदुरई होते हुए केरला और फिर आंध्र, आपके कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए गुजरेगी। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, काले धन के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, देश गुस्से में है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार को जनता की जरा भी चिंता नहीं है, वो भ्रष्ट लोगों को बचाने में लगी हुई है। और ये सरकार जितना अपने भ्रष्टाचार को छुपाएगी और भ्रष्ट लोगों को बचाएगी, उतनी ही इसकी साख और अपनी गंवाएगी। ये देश में स्पष्ट संदेश है।